राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज कुछ स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह पे। मुझे डर भी लग रहा है। तो यार हम जा रहे हैं हाथ की नस कटवाने। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन यहाँ आज़ादी नहीं मिलेगी, यहाँ खून के बदले खून ही मिलेगा। ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं हम, मैं, शिवा और जीतू। हमारे पास खून बहुत ज़्यादा हो चुका है, खून पीने वाला तो हमारे पास कोई है नहीं। यहाँ से वहाँ डोले, वहाँ से वहाँ, बस ख़त्म बात, इतनी सी लाइफ अपनी। तो जीतू का फ़ोन आया, मैंने ये बोला पहले इंजेक्शन देखूँगा कितना बड़ा होता है, क्योंकि मैंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया। और अब ब्लड डोनेट करने की सोच रहा हूँ, पहले वहाँ जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कि हाँ भी इंजेक्शन ज़्यादा मोटा था। मुझे इंजेक्शन से लगता है डर, तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है, दे पाता हूँ ब्लड या नहीं दे पाता। चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। तेरे भाई जब मैंने कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया रे, चार पांच बार। ये जो है टोटल ही मुश्किल से 3 मिनट के अंदर ये जो है जो आपका जो पंचर करेंगे जो यहाँ से वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। जो आपके प्लेटलेट्स हैं ना वो आके उसको कम कर देती है। आप 1 घंटे बाद बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिम फिर भी नहीं करना, क्योंकि फोर्स जो है ना आपका ज़्यादा लगेगा हाथ में। इसलिए जिस दिन आप ब्लड देते हो उस दिन थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, बाकी इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब वैसे डर लग रहा है, मोटे नहीं इंजेक्शन। अरे कुछ नहीं होता यार, लड़कियां देखे जाते हैं, तुम्हारे लड़के हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। भाई बलि देने के लिए तैयार हो गए। शिवा की नस नहीं मिल रही है। धर्म के थप्परवार है, जोर से मार भाई, पहली बार दे रहे हो क्या? हाँ भैया, मेरी बारी आ गई है। जो मेन हेड है डॉक्टर वो आए खुद, नहीं कह रहे भाई तुझे डर लग रहा है, मैं खुद करूँगा। चार पांच साल के असंक्रमण किया है, एक साल की सबसे पहले प्रोग्राम शुरू किया था, तो भाई अभी पैसा के आपके लिए कर रहे हैं। कह रहा है 18 खून है, तुझे देता रहना चाहिए खून। और बगल में ही रागनी भी हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। बाकी वैसे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसे देख के डर लग रहा है।
ऐसे हो रही है नसों में फटी फट फटी फट। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट। तो ब्लड देके आ गए हैं और प्लस में सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया है इन्होंने खाने के लिए काजू बादाम किशमिश। फोन कर रहे हम है रक्तदाता है मैंने कह हम रक्तदाता है भाइयों। अगर किसी को खून चाहिए हो तो बता देना खून के बदले खून के बदले क्या देगो क्या लेगो सॉरी भैया आपके पे मोटरसाइकिल लग लो अच्छे थे और मेरे को उन्होंने इंजेक्शन लगाया जो मेन हेड पे होंगे क्योंकि मैं डर रहा था तो उन्होंने कहा था मैं खुद अपने हाथों से लगाऊंगा फिर उन्होंने लगाया दर्द तो खैर नहीं हुआ लेकिन देख के डर लग रहा था इंजेक्शन से वैसे डर ही लगता है हर किसी को। बाकी एक थैली तो निकाली दी उन्होंने और सर्टिफिकेट भी दिया कह रहे इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो। दर्द तो हो रहा है वो बाकी वो कह रहे थे कि अगर कोई आपको बीमारी है या फिर कुछ शुगर वगैरह है मतलब कुछ भी एनीवन आपको कुछ भी बीमारी हो तो वो आपका ब्लड नहीं लेंगे मना कर रहे थे वो। जीतू ने गाना भी निकाल दिया डॉक्टर अंकल सुई ना लगाना सुई से डरता है सारा जमाना।